फैक्ट नंबर एक, विवेकानंद जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसीलिए एक गीता उनके पास हमेशा रहती थी। एक बार एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और अलमारी के बगल में रखी गीता देखकर मुस्कुराने लगा, जिसके ऊपर विवेकानंद जी ने अनेक महान पश्चिमी लेखकों की किताबें रखी हुई थी। वो व्यक्ति किताबों की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आखिर आप भी मानते हैं कि हमारी रचनाएं आपकी गीता से भी सर्वोच्च हैं। इतना सुनते ही विवेकानंद जी ने सबसे नीचे रखी गीता हटा दी, जिसे सारी किताबें भर भरा कर नीचे गिर गई और उन्होंने जवाब दिया कि सबका आधार आखिर गीता ही है। फैक्ट नंबर दो, अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों के झंडे यानी कि फ्लैग कई अलग अलग रंगों में होते हैं, पर क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि दुनिया के किसी भी देश के झंडे में बैंगनी रंग यानी कि पर्पल कलर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं? पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि 19वीं सदी तक केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और तब बैंगनी कलर बनाने का सिर्फ एकमात्र तरीका था लेबनान में पाए जाने वाला एक खास किस्म का घोंगा। लेकिन ये घोंगा इतना महंगा था कि 10,000 घोंगों से सिर्फ 1 ग्राम बैंगनी रंग ही निकाल पाते थे, जो कि बैंगनी कलर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बस इसीलिए 19वीं सदी से पहले तक किसी भी देश का झंडा बैंगनी कलर का नहीं बन पाया।